साईं, साईं मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने समस्याओं से, अपने दुखों से घबरा गई थी। मैं लालची बन गई थी। अंत में हमारे समस्याओं का हल इनके मेहनत के फल के रूप में ही मिला। अब तो विश्वास हो गया ना कि ईमानदारी और मेहनत ये कभी बेकार नहीं जाती हैं। इसका फल अवश्य मिलता है हमें। आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने काम की, अपनी मेहनत की कद्र कीजिए, इसका मूल्य समझिए। अगर आप सबसे अच्छी लकड़ी लाते हैं तो उसका अच्छा मूल्य भी तो लीजिए, क्योंकि लोग आपका महत्व तभी समझेंगे जब आप खुद अपना महत्व समझेंगे, अपनी कद्र करेंगे। मैंने भी दत्ताराम जी की सच्चाई का, इनकी ईमानदारी का महत्व नहीं समझा। साईं, ये इनकी अच्छाई की शक्ति है कि जिस गुड़ और चने को मैंने मामूली समझा, बेकार समझ के इनको दिया, वो इनके पास जाकर सोने के बन गए। माफ कीजिएगा मुझे, इस बार मैं आपकी मदद के लिए सच में कुछ करना चाहता हूं। भाग्यवान, इससे महीने भर का सामान और अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी ले लेना। साई, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ? अगर लाना ही चाहती हैं तो थोड़ा सा गुड़ और चने ले आइएगा, क्योंकि आज के बाद गुड़ चने दरिद्रता के नहीं बल्कि सच्चे आशीर्वाद के प्रतीक होंगे। जी नमस्ते, मैं तात्या। सब्जियों का नमूना देखने के लिए शायद आप ही ने मुझे बुलाया है। हाँ, मैंने ही बुलाया था। वो खंडोवा के मंदिर में मैं भंडारा कर रहा हूँ। आसपास के गांव के लोग भी आएंगे, लगभग 200 लोगों के लिए भोजन पकेगा। क्या तुम इतनी सब्जियाँ पहुँचा पाओगे? और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी सब्जी कितनी ताजी है। जी आप चाहें तो खुद जाँच कर लीजिए, मंडी के सब्जी विक्रेताओं को सब्जियाँ मैं ही पहुँचाता रहा हूँ। मेरी सब्जियां हमेशा ताजी होती हैं और समय पर पहुंचती हैं। अरे काहे की ताजी सब्जी और काहे की समय पे आपूर्ति। आप अपने काम से काम रखिए। जैसे तेरा बाबा रखते है वैसे। सेठ जी, इसकी मीठी मीठी बातों में ना आइए, ना ही इसकी भोली सूरत पे जाइए। अरे इसके बारे में पहले पता तो कर लीजिए। मैंने सुना है इससे पहले अंग्रेज छावनी में सब्जी का ठेका मिला था इसे।
लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों में वो ठेका रद्द कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये गैर जिम्मेदार है। इसने बिना बताए वहां सब्जियां पहुंचाना बंद कर दिया। वो बेचारे वहां बैठे इंतजार करते रहे और ये जनाब यहां बैठे मजे करते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके भंडारे में सूखी पूरियां ही खिलानी पड़ जाए। क्या ये सच है तात्या? नहीं, असल में। अरे क्या असल नकल, सीधा सीधा जवाब नहीं बिटवा। क्या ये सही बात नहीं है कि अंग्रेजी छावनी में तुझे सब्जी आपूर्ति का ठेका मिला था? हाँ लेकिन। और क्या ये सही नहीं है कि उन्होंने उस ठेके से तुझे हटा दिया? हाँ लेकिन। बस और क्या सुनना है आपको? अरे ये तो बहाने बनाएगा ही। अगर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, और ये अगर पेशेवर होता तो इतना बड़ा ठेका हाथ से ना जाने देता। तात्या मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार था, ये सोचकर कि तुम पाटिल जी के बेटे हो। मैंने ये सोचा कि तुम अच्छे और सम्मानित परिवार से हो। तो क्या मतलब है आपने सोचा? आपके सोच का मुहर नहीं चाहिए हमें। हमारा परिवार सम्मानित था, सम्मानित है और सम्मानित रहेगा। तेरी बातों के अंदाजे से तो ऐसा नहीं लगता। चुप! मैं जानता हूं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ये तो मारपीट पे आ गया। चुप रहो। हाँ क्या गलत कह रहा हूं मैं? अरे खुद तो काम करता नहीं और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। इसीलिए अप्पा पाटिल इस गांव के अब पाटिल नहीं रहे और तेरा परिवार भी अब सम्मानित परिवार नहीं रह गया है। नहीं तात्या, खुद पे काबू करो, अपने गुस्से को काबू में रखो। क्या कर रहे हो तुम? फेंको इस पत्थर को। फेंको। नहीं तात्या, छोड़ उसे। मास्टर काका छोड़िए मुझे। नहीं तात्या, बस करो। भाई की बात याद करो, हिंसा समस्या है, समाधान नहीं। फेंको इस पत्थर को। छोड़िए मुझे काका। तात्या मत करो, छोड़। छोड़िए। क्या तूने तूने पत्थर से? अरे मार डाला, अरे इस लड़के ने मुझे मार डाला। आ, 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 मार डाला रे। अरे सर फोड़ दिया मेरा। आत्या को उकसाने की, क्रोधित करने की आवश्यकता है हमें। उसे इतना क्रोधित किया जाए कि वो स्वयं पे नियंत्रण खो दे। और यदि एक बार उसका हाथ उठ गया तो मेरा काम हो गया, समझो। हरिओम। लेकिन सरकार, वो छुट्टा सांड हो गया, उसके मुंह कौन लगेगा? मूर्खों, एक बार उसने तुम लोगों को क्या पीट दिया, तुम तो डरने लगे उससे। गधे कहीं के, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चौधरी और शुक्ला है ना, वो तो पहले तिलमिला बैठे हैं। केवल एक इशारा करने की देरी है, बरस पड़ेंगे उस पे। उससे ना कहना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तात्या उन दोनों की अच्छी तरह से धुलाई कर दे। Oh
तो आजकल अपने आपको समझता क्या है? यहाँ का दादा है तू, खून खराबे में उतर रहा है हा? याद रखना तात्या, तूने जो किया उसका दंड तुझे जरूर भुगतना पड़ेगा। तेरी ये गलती तुझ पे बहुत भारी पड़ जाएगी। देखो तात्या, बस एक शब्द नहीं बोलोगे तुम्हारा, शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ चलो। ओ, 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 चलिए कुलकर्णी सरकार के पास इनका इलाज करवाते हैं, चलिए। क्या हो गया है तुम्हें आजकल तात्या, इतना गुस्सा क्यों? तुमने जो भी किया उसका परिणाम जानते हो क्या होगा? परिणाम की चिंता नहीं है मुझे काका। आई बाबा की भी चिंता नहीं है, उन्हें पता चलेगा तो? क्या हुआ मालसपति काका, आप तात्या को क्यों डांट रहे हैं? इसने काम ही ऐसा किया है, चलो। काका शांत रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे। काका लेकिन चुप रहो। क्या हुआ महर्षापति जी? अंदर चलिए अक्का, आपको सब बताता हूं। हाँ चलो आइए। मैंने दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तात्या ने शुक्ला जी को इतनी जोर से पत्थर मारा कि वो नीचे गिर पड़े और उनके सर से खून बहने लगा। आजी काका, उस बदतमीज का खून जरूर बहा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने उन्हें पत्थर से मारा। अप्पा जी बाहर आइए। कुलकर्णी सरकार, अप्पा जी आप पुलिस को लेकर यहां? उपद्रवी असामाजिक और अराजक तत्वों के घर पुलिस ही आएगी ना पाटिल जी, वो देखिए अपराधी, बंदी बनाइए इसे। तात्या को गिरफ्तार कर रहे, क्या बात होगी? देखिए इसे, देखिए क्या किया है आपके सुपुत्र ने। मैंने प्राथमिक उपचार कर दिया है, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि घाव बड़े गहरे हैं, अमानवीय है। अमानवीय व्यवहार केवल हाथ से की गई हिंसा से नहीं होता। जिन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है वो अपमानजनक थे। हरिओम हरिओम, केवल इसके बोलने पर ऐसा प्रहार? मैं मानता हूं मेरे तात्या से गलती हो गई है, लेकिन आप उसे माफ कर दीजिएगा। सच्चाई यह है कि तात्या ने यह जानबूझकर नहीं किया, उसे उकसाया गया था। प्रहार तो इन्होंने भी किया तात्या के ऊपर, हाथापाई हो गई, उसमें चोट आई है इनको। मैं बताता हूं, मैंने सब देखा, मैं था वहां। शुरू से ही समझ आ गया था कि यह लड़का शुक्ला जी को मारना चाहता था। आप तो इनके दोस्त हैं, आप तो इनकी तरफ से ही बोलेंगे ना। मैं इस बात का साक्षी हूं कि वहां पर जो भी कुछ हुआ और लोगों ने भी देखा।
किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि ये लड़के ने हाथ में पत्थर उठा लिया था। हत्यारा कहीं का भू बंद रखिए, वरना मैं आपको। देख लिया, और क्या चाहिए आपको प्रमाण? और चलो मान लेता हूं कि ये दोनों मित्र हैं, इन दोनों की साक्ष्य पक्षपात से भरपूर हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी साक्ष्य पर किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा। जो व्यक्ति कभी असत्य नहीं बोलता, और वो है खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति जी। ये साक्षी हैं कि ये लड़का कैसे छोटे छोटे बातों पर उग्र हो जाता है। ये सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। बोलिए मालसापति जी, बोलिए। क्या करूं? आपके अनुसार जो सत्य है वही कही है। मैंने मंदिर से देखा कि इन दोनों के बीच कुछ बहस हो रही थी। किन दोनों में? तात्या और शुक्ला जी में। कैसी बहस? वो मैंने नहीं सुना, लेकिन जब मैंने देखा तो तात्या के हाथ में पत्थर था शुक्ला जी को मारने के लिए। काका, लेकिन ये सच नहीं। रुक जाओ तात्या, मालसापति जी को अपनी बात पूरी तो करने दो। बोलिए मालसापति जी, पहला प्रहार किसने किया था? उत्तर दीजिए। पहला प्रहार तात्या ने किया था, लेकिन हरिओम हरिओम, पत्थर तात्या ने उठाया था जी। हाँ, लेकिन चुप रहो। शुक्ला जी को चोट लगते देखा आपने? हाँ देखा था, लेकिन वो हो गया। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मालसापति जी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये तात्या शुक्ला जी को मारने की योजना बना चुका था पहले ही। ये उनकी हत्या कर देना चाहता था, पत्थर मार के इसने शुक्ला जी का सिर फोड़ा। अगर आज इसे मालसापति समय पर नहीं रोकते तो ये शुक्ला जी को स्वर्ग पहुंचा चुका होता। बंदी बनाइए इसे। कर आपने मुझे पूरी बात रखने का मौका ही नहीं दिया, मैंने जो कहा वो। अपराधी नहीं है मालसापति जी, तो अपराध बोध क्यों? आपने कानून की सहायता की है सत्य कहकर। ऐसे अपराधियों से शिरडी को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब आप जैसे लोग निष्पक्ष होकर सत्य कहे। मालसापति जी, बंदी बनाइए इसे। रुकिए, देखो ना ये लोग क्या कर रहे हैं। तात्या ने जो किया वो गलत है, तात्या का क्रोध भी गलत है, लेकिन वो शुक्ला जी की हत्या करना चाहता था ये सच नहीं है। बैरागी, ये कानून है, कानून को प्रमाण चाहिए प्रवचन नहीं।
और मुझे पूरा विश्वास है शिरडी को भ्रमित करने में, शिरडी के पतन में जिस प्रकार तेरा हाथ रहा है ना, उसी प्रकार इस परिवार को उकसाने में भी तेरा हाथ है। मुझे मेरी मर्यादा भूलने पर विवश मत कीजिए। तात्या, देख लिया आपने किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए सरकार, मैं विनती करता हूं आपसे। आपके सगे मित्र ने जब सच कह दिया है तो बचाने वाला मैं कैसे हो सकता हूं पाटिल जी? क्यों महासपति जी, क्यों? आपकी वजह से आज मेरे बेटे को एक अपराधी की तरह पुलिस ले जा रही है। पाटिल जी, आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूं। और ताते आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, ये बात आप भी जानते हैं। मैं मानता हूं मेरा तात्या गुस्सा करता है, लेकिन महासपति जी, क्या आपको वाकई लगता है वो किसी का खून कर सकता है? जानबूझकर नहीं पाटिल जी, लेकिन उस समय तात्या होश में बिल्कुल नहीं था। ये सब कहते हो, आपको शर्म नहीं आई महासपति? आप तात्या को बचपन से जानते हैं और आपके हर बुरे समय में हमने आपका साथ दिया एक परिवार बनकर, और उसके खिलाफ आपने इतना कुछ कह दिया। सासुबाई, नहीं, बोलने दे मुझे। क्यों मदद की हमने इनकी, क्यों भरोसा किया? पैसे देने से पहले हमने एक बार भी नहीं सोचा आज दिन का सांप निकलेंगे। हमें मिले थे क्या पीठ में चूरा घोपने के लिए? बोलो महासपति। आई बस कीजिए, हेलो तात्या, रोको तात्या को। इस समय सब परेशान है महासपति जी, कोई किसी की बात नहीं समझेगा। आप घर जाइए। अंतावंता। जी सरकार। जी सरकार। मालसा पति को बुला कर लेके आओ। ठीक है सरकार, अभी बुला के लाते हैं। अगर आप व्यस्त हैं तो मैं बाद में भी आ सकता हूं सरकार। अरे नहीं नहीं, बैठिए बैठिए महासपति जी, बैठिए। हरिओम हरिओम। ऋण लेते समय मैं लोगों को भगवान लगता हूं, लेकिन जब ऋण चुकाने की बारी आती है तो उनको मैं अत्याचारी क्यों लगता हूं? लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि मैं यहां अपना घाटा करवाने के लिए नहीं बैठा हूं, वसूली तो मुझे करनी ही होगी ना।
अगर इसने ऋण नहीं चुकाया है तो इसका घर मुझे नीलाम करवाना होगा ना। इसमें मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सरकार, मैं अगली किश्त समय पे दे दूंगा आपको। क्या मालसापति जी, आप भी? अरे नहीं नहीं, आपको क्या लगा ये सब सुनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा व्यक्तिगत रूप से क्रोधित हूँ। क्रोधित? मैंने क्या किया सरकार? अरे आपने नहीं, आपने नहीं, पाटिल जी की आई सबके सामने कितना कुछ सुना दिया आपको। मालसापति जी शिरडी में आपका सब सम्मान करते हैं, आज तक किसी को भी मैंने आपको खरी खोटी सुनाते हुए नहीं देखा। मुझे ही ले लीजिए, कितनी बार आपने मेरा ऋण नहीं चुकाया है लेकिन मैंने आपके घर कभी लठैत भेजे? आपका अपमान किया लेकिन वो लोग? सरकार पाटिल जी की आई मेरे लिए भी आई समान ही है। अगर उन्होंने गुस्से में मुझसे कुछ कह दिया हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपका सगा मित्र पाटिल जी, उन्होंने तो आपको ही दोष दिया ना, दिया कि नहीं? अगर वो आपके सच्चे मित्र होते तो वो समझ जाते कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, असत्य नहीं कहते हैं। साईं, आज तुम्हें कुछ खिला नहीं सकूंगी, चूल्हा जलाया ही नहीं आज। मैं जानता हूं भाईजामा, इसीलिए आज मैं आप सबके लिए खाना लेकर आया हूं। आओ भाईजामा, खाना खा लो। आओ भाई सामान, खाना खा लो। जब तक मेरा तात्या नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बाजी, क्या हुआ तात्या की रिहाई? कुलकर्णी सरकार की शिकायत पर हिरासत में ले लिया है तात्या को पुलिस ने। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। उस शुक्ला को भी बहुत गहरी चोट आई है, बहुत खून बहा है। ऊपर से आग में घी डालने का काम तात्या के गुस्से ने किया है। खुद पुलिस वालों ने सब देखा है, सारे सबूत तात्या के खिलाफ है। साईं, साईं, तुम जानते हो ना मेरा तात्या बुरा नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो योग्य नहीं है, वो अपराधी नहीं है। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ साईं, को तुम भाई मानते हो ना, फिर तुम्हारी आंखों के सामने कैसे गिरफ्तार करके ले गए वो लोग, कैसे साईं? आजी, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। समाज में हो रहे अत्याचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ तात्या की संवेदनशीलता, उसकी घुटन, उसका क्रोध गलत नहीं है। गलत है तो उस पर उसकी प्रतिक्रिया। तात्या को यह समझना ही होगा कि उसके तरीके से कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, कोई बदलाव नहीं आएगा।
बल्कि गुस्से से उसकी परेशानियां और बढ़ेंगी। तात्या दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, जैसे सोना आग में तपकर और भी निखर जाता है, वैसे ही इन परेशानियों से जूझकर हमारे तात्या का व्यक्तित्व और भी बेहतर बनेगा। श्रद्धा और सबूरी रखिए। श्रद्धा और सबूरी। बैठिए आजी। भाई समान बैठो। के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना। मेरा बेटा अपराधी नहीं है। अपराधी है वो पागल जी। झूठे हैं आप लोग, झूठे। दो कौड़ी के लोग हैं, दो कौड़ी के। दादा, दादा,